नमस्कार दोस्तों, जो पिछली वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन था कि किसी प्रोग्रेसिव फार्मर को हमने गेहूं की ऐसी वैरायटी बोलने को कहा है जिसका प्रोडक्शन कम होता है। जब उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कम होने से उनको लॉस होगा, तो हमने उनको कहा कि नहीं, हम आपको रेट ज्यादा देंगे और वो रेट देंगे कि आपको जितना आप ट्रेडिशनल या स्टैंडर्ड वैरायटी बोते उतने ही पैसे आपको मिल जाते। जब उन्होंने बोया तो उनको 25% प्रोडक्शन कम मिला। ये कम हुआ प्रोडक्शन, तो हमने बताना है ये आपकी क्वांटिटी इतनी कम मिली उसको, और अब बताना है कि उसको जो रेट दें हम वो कितने परसेंट ज्यादा दें ताकि उसको घाटा ना रहे। देखिए, इसका ट्रेडिशनल तरीका ये है कि मान लिया उसका जितनी जमीन में हमने कहा था बोने को, उसमें उसका जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल क्वांटिटी Q1 इसको मान लो वो 100 kg है, और उसका जो प्राइस है स्टैंडर्ड वैरायटी का वो R1 मान लो, वो भी 100 rupees per kg मान लो। तो स्टैंडर्ड वैरायटी बोने से उनको टोटल जो इनकम होती I1 मान लो इसको, वो हो जाती 100 × 100, क्योंकि इतने किलो हुआ है, पर किलो ये है, तो उसको ₹10,000 मिलते। अब हमने ये 10,000 उसको जो Q2 कितनी है, Q2 है इसमें से 25% कम कर लो, यानी 75 kg, 75 kg के ही हमें उसको ₹10,000 देने, तो उसको जो R2 है वो हमारा हो जाएगा 10,000 / 75, इतना R2 होगा। ये कीमत हमें उसको देनी है। पहले कितनी मिलती थी? 100 rupees, अब इतनी देनी पड़ेगी। इसको देख लो, फिर देख लो फिर डिफरेंस कितना हुआ, 25 × 75, 25 × 100, 400। अब हम उनको दे रहे हैं 400 / 3 rupees। पहले कितने मिल रहे थे उनको? 100 rupees। कितने ज्यादा हुए ये? 400 / 3 - 100, इसको 3 LCM आ जाएगा, 400 - 300, 100/3%। 100/3 का मतलब हो गया 33 से ही 1/3%, इतने परसेंट हम उनको ज्यादा दे रहे हैं। ये ट्रेडिशनल, इसमें आपको इतना टाइम लग जाता है, 2 मिनट तो लगती है। इसका जो शॉर्टकट मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, इसमें देखिए क्वांटिटी कम हुई है, क्वांटिटी कितनी हुई है? 25% कम हुई है, ये माइनस का हिसाब है। तो जब ऐसा हो तो आप ये देख लो कि कितने परसेंट कम हुई है, एक्स परसेंट कम हुई है, एक्स बटे 100 - x और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको वो फिगर दे देगा जो नया रेट है, बढ़ा हुआ जो रेट है वो आपको दे देगा। ये कितना आएगा देखिए, x 25 / 100 - 25, 75 / 100, 25 × 75, 100 / 25, 100 / 75, 100 / 75, 100 / 3, और इसका मतलब है 33 से भी 1/3। इसमें आप देख लीजिए आपको कितना टाइम। अब मान लिया इसमें 25% की बजाय उसका जो प्रोडक्शन है वो मान लिया 20% कम होता, तो x की जगह हम 20 लिख देंगे, 20/100 - 20, 100 - 20 का मतलब 80 और 100,
20 चौका 80 और इसको करेंगे तो 25% आपका मान लिया 10% हो तो 10 बटे 100 माइनस 10 बराबर 90 गुणा 100 ये कट गया 100 बटे 9 इसको कर देगा 11 से ये कटना इतने परसेंट आपको रेट ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप 2-3 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। ये तो हुआ जब आपकी कमी हुई हो जो गिवन फिगर है उसमें। अगर यहां पर प्लस हुआ होता मान लिया इतना अनाज ज्यादा हुआ होता और उसकी इनकम उतनी ही रखनी है तो इसका मतलब हम उसको रेट कम देते। रेट कितने परसेंट कम देते उसके लिए फार्मूला ये है एक्स बटे 100 प्लस एक्स फिर ये फार्मूला और ये शॉर्टकट उस तरह के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होगा जिनके लिए इक्वेशन आपकी इस रूप की बनती है। किस रूप की वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इसमें ए क्या था क्वांटिटी प्रोडक्शन बी क्या था रेट। जब क्वांटिटी को हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनकम आएगी। इनकम आपकी कॉन्स्टेंट रही है ये आपकी नहीं बदलती है इनकम उतनी ही रहती है। ये तो दो वेरिएबल है इनमें से एक कितना वेरी हुआ है ये आपको बताया गया है दूसरा कितना वेरी होगा ये आपसे पूछा। इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें तीन वेरिएबल होंगे तीन में से एक को क्वेश्चन में कांस्टेंट कर दिया जाएगा इन दो में से एक को बताया जाएगा कि कितना बढ़ा है तो दूसरा कितना घटा है ये बताया जाएगा। अगर पहला इतना घटा है तो दूसरा बताया जाएगा कितना बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण जो इसी इक्वेशन से सॉल्व होता है जैसे किसी परिवार की चीनी की मंथली कुछ खपत है और उनका मंथली एक्सपेंडिचर चीनी पे होता है। चीनी का भाव मान लिया 50% बढ़ गया 50% की इंक्रीज है चीनी के रेट में। एक्सपेंडिचर उन्होंने कॉन्स्टेंट रखना है एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है एक्सपेंडिचर यहां आ जाएगा यानी आप यहां लिखेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस या रेट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपका उतना ही रहना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर शुगर का प्राइस 50% बढ़ जाए तो एक्सपेंडिचर को उतना ही रखने के लिए क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन को कितना कम किया जाए ये पूछा गया है। एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है रेट आपका बदल गया है 50% बढ़ गया है क्वांटिटी आपकी कम होनी है इसका मतलब ये उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आप ये देख लो 50% बढ़ा है बढ़ा हुआ है तो बढ़े वाला फार्मूला 50 बटे 100 जमा 50 और गुणा 100 बटे 3 बराबर 33 से 1 बटे 3 इतने परसेंट आपको खपत घटानी पड़ेगी तब आपका एक्सपेंडिचर उतना ही रहेगा। मेरे ख्याल से यह समझ आया होगा आपको। एक और देख लीजिए एरिया में हम इसी तरीके से निकालते हैं। एरिया में क्या होता है किसी एरिया मतलब किसी फोर्थ साइड फिगर का जैसे रेक्टेंगल का स्क्वायर का मान लिया ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। अगर ये कहा जाए कि किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो बढ़ा दी एरिया उतना ही रखना है तो ब्रेड्थ को कितने परसेंट कम करें या लेंथ को घटा दिया ब्रेड्थ को कितना बढ़ाएं एरिया उतना ही रहे। मान लिया इसमें यहां पर हम ले लें कि किसी का 60% आपने लेंथ बढ़ा दी
एरिया उतना ही रखना है। तो ब्रेड को कितने परसेंट घटाएंगे, मान लिया एक्स परसेंट घटाएंगे, एक्स नहीं कुछ एक्स मान लिया एक्स तो क्योंकि हमने उसको मानना है, तो कितने परसेंट घटाएं इसको, इसके वही है इसको निकालने का तरीका। ये क्योंकि बढ़ा हुआ है तो बढ़े वाला फार्मूला लगाना है, 60/100 और गुणा 100, इससे ये कट गया 2 × 3 = 16, 4 × 2 = 8 और 4 × 25 = 75, 75 × 2 = 75 का मतलब 37 से 1/2%, ये आपका आंसर आ गया। यानी किसी रेक्टेंगल की अगर एक साइड को आप 60% बढ़ा दें और दूसरी साइड को 37 से ही 1/2% कम कर दें तो उसके एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमने इसे निकाला। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप इस से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। एक और जैसे जैसे कोई आदमी पेट्रोल पे कुछ खर्च करता है महीने में और पेट्रोल का भाव बढ़ गया और उसको खर्च उतना ही रखना है तो पेट्रोल की कंजम्पशन कितनी काम करे, जो पेट्रोल की क्वांटिटी खर्च करता है वो मल्टीप्लाइड बाय पेट्रोल का प्राइस, ये उसके एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। क्वांटिटी तो उतनी ही है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, मान लिया 10% बढ़ गया तो ये कितने परसेंट कम होगा, ये हमने निकालना है। ये कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो हमारी शर्त पूरी होती है, पूरी होती है। तो ये निकालने के लिए 10/110 × 100, ये कट गया 100/11, 100/11 को आप हल कर दो, आप 9 × 1/11 इतने परसेंट, ये आपका आंसर। तो इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं जिनमें ये फार्मूला लगता हो, a × b = c, c को कॉन्स्टेंट दिया हुआ हो, इन दो वेरिएबल में से एक को बताया गया हो कितने परसेंट घटिया बढ़ रहा है, दूसरे को बताना होगा कितने परसेंट घटेगा या बढ़ेगा। इस तरह के कितने भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये उपयोगी लगा होगा, अगर ऐसा है तो बताइएगा, झिझकिएगा नहीं बताने में। थैंक यू, नमस्कार।